जैसे कि अभी घर से आज निकल रहे हैं हम अमरनाथ के लिए, यहाँ से निकलेंगे गोरखपुर, गोरखपुर से हमारी ट्रेन है कल के लिए, और फिर वहाँ से निकलेंगे जम्मू तवी, जम्मू तवी से अमरनाथ। बाकी आपको अपडेट करते रहते हैं। ये लगेज है, बैग पैक है, निकल रहे हैं। गाइस, हम अपने छोटे से स्टेशन अहिरौली आ चुके हैं, अमरनाथ के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से हम गोरखपुर जाएंगे। यहाँ से मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब यहीं से अप डाउन किया करता था अपने कॉलेज सौरगढ़। ये स्टेशन, ये आसपास का लोकेशन, ये अभी भी वैसे ही है, कुछ खास चेंज नहीं है। अभी आपको हम टिकट घर दिखाते हैं, यहाँ का सेम, बस कुछ चेंज हुआ है तो ये चेयर्स ये ऐड हुई हैं, जबकि कोई और खास चेंज नहीं है। जैसे कि स्टेशन आ गए रेलवे स्टेशन जम्मू तवी, हमारी ट्रेन है 2:10 पे, ये ट्रेन आ गई है जम्मू तवी, B7 कोच। बस थोड़ी देर में ट्रेन चलेगी, अभी आधे घंटे टाइम है अपने पास। ये रेलवे स्टेशन। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ गए जम्मू, और ये यहाँ का दुकान की वो, और ये पूरा स्टेशन। हम लोग जम्मू 12:53 पहुँचे हैं। जैसे कि गोरखपुर से हम लोग निकले थे 2:20 पे, 12:53 अगले हम लोग पहुँचे हैं, और एग्जिट होने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वेटिंग रूम का रास्ता है, ऐसे निकलेंगे हमारे। तो जैसे कि अभी जम्मू में रुके हुए हैं वेटिंग रूम में, तो प्रेस कर रहे हैं और बैग पैक चेंज कर रहे हैं, भगवती नगर के लिए देखते हैं। भगवती नगर में कहीं कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं से लगेज लॉक रूम में डाल के फिर आगे इधर निकलेंगे, फिर डाल लेंगे कैसे किधर। जम्मू स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, जैसे कि अभी ये पुलिस वाले भैया ने बताया कि यहाँ से एग्जिट करेंगे और निकलेंगे यहाँ पे, ये होटल के सारे रेट लिस्ट निकला है। भगवती नगर किराए 124 रुपये, ऑटो किराया 124। रेलवे स्टेशन देखो ना, जम्मू स्टेशन से बाहर अंदर से निकलने का रास्ता, बाकी ये पूरा ये रास्ते से निकलेंगे यहाँ। ये जमानती घर, यहाँ पे हम चाहे तो लगे जमा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये माता वैष्णो देवी के लिए भी जाता है ये स्टेशन ऊपर निकलने के लिए, बट हम लोग एग्जिट हो रहे हैं। एग्जिट होने के पीछे के साइड से ये पुलिस कैंप और ये सारा कुछ बना हुआ है, ऐसे निकलेंगे। चलो आगे, ये बाहर निकलते हुए, और ये बाहर निकलने के बाद इधर का ये नज़ारा है बाहर। ये है जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर का तरफ का स्टेशन, ये पूरा बाहर का, और बाहर वो होटल रिजॉर्ट्स हैं, और ये बाहर की तरफ का रास्ता। अब यहाँ से हम लोग भगवती नगर जाएंगे, बाहर का नज़ारा। यहाँ से हम लोग निकलेंगे भगवती नगर, भगवती नगर के लिए अभी ऑटो पता कर रहे हैं कैसे क्या जाने का है, बाकी पता होते ही फिर निकलते हैं। हालांकि बाहर दिख रहा है ये गाड़ियों का, यहीं से मिलेगा, और फिर आज वहाँ स्टे होगा और मॉर्निंग में वहाँ से निकलेंगे हम पहलगाँव। बाकी आपको भगवती नगर पहुँच के अपडेट करते हैं। रेलवे स्टेशन बाहर आ गए हैं, ये जम्मू स्टेशन, यहाँ पे ये सिम चेंज कर रहे हैं 350 में होगा। ये भैया हैं जो पकौड़ी कह रहे हैं, हमें भी पकौड़ी खिलाए उन्होंने। और भाई ये सिम ओपन हो रहा है, इससे हो गया अभी तुरंत, बस अभी अपडेट कर लेंगे, उसके बाद फिर यूज करते हैं। हम लोग जम्मू स्टेशन के बाहर आ गए हैं, ये मंगल मार्केट है पूरा। यहाँ पे जैसे अगर आप जा रहे हैं बाहर टूर पे, तो आप लिए कपड़े प्रसाद ये सारे कुछ मिल जाते हैं, चाहे वो अमरनाथ जाना हो या माता रानी के दरबार। पिछले स्टेशन बाहर ही है इधर सारा, ये पतला मार्केट, यहाँ पे सिम भी मिल जाता है, जैसा कि हमने भी सिम एक्टिवेट कराया है। और ये मंगल मार्केट नाम से जाना है, ये पतला सा ही है बिल्कुल, देखिए पीछे से लेके आगे तक। जस्ट स्टेशन के बाहर ही मंगल मार्केट, चले मिलते हैं फिर। ये बाबा लोग भी हैं, RFID कार्ड बनाते समय, ये लोग नेपाल, आप नेपाल से हैं? कहाँ से हैं? नेपाल से हैं, बताइए सीज में भी ये लोग कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। नेपाल में किस जगह से?
जनकपुर। तो यहाँ से जम्मू के बाहर से हमें आरएफआई कार्ड मिली है, अब इससे हम पूरी यात्रा कर सकते हैं। और इसमें एक्चुअली जीपीएस होता है, जिससे हम पूरी तरह से गवर्नमेंट की नज़र में रहेंगे कि हम कहाँ हैं कैसे हैं। और फिर अब यहाँ से निकलते हैं भगवती नगर के लिए, वहाँ से हम टिकट लेंगे और कल मॉर्निंग 2 बजे आर्मी की गाड़ियाँ होंगी, उसी से हम जाएंगे सीधे पहलगाँव, फिर आगे की यात्रा होगी। थैंक यू। जैसा कि जम्मू से अगर आप भगवती नगर जाना चाहते हैं तो आप ऐसे प्राइवेट ऑटो भी ले सकते हैं, 150 रुपये लेगा ये आपको यहाँ से भगवती नगर छूट जाएगा। हालांकि हमारा सारा काम भगवती नगर वाला यहाँ जम्मू में ही हो गया। आरआईएफ कार्ड बनता है जिससे जीपीएस होता है, इससे आप ट्रैक करके आपको पता लगा सकती है गवर्नमेंट की आप कहाँ पे हो। वो कार्ड हमारा यहीं बन गया जम्मू में ही। अब जम्मू से हम भगवती नगर जा रहे हैं, वहाँ से मॉर्निंग में हमें बस मिलेगी, अभी वहाँ जाके अपडेट करते हैं कैसे क्या हो। जैसे कि ये तवी नदी है, इस तवी नदी के नाम पे ही यहाँ का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन चलती है और नाम रखा गया था, ये वही तवी नदी है। हम लोग उसी पुल के क्रॉस करके जा रहे हैं भगवती नगर की तरफ। तो से आ गए थे बेस कैंप के लिए, यहाँ पे पुलिस चेक हो रहा है, यहाँ से अंदर ऑटो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें शायद पैदल जाना पड़े। ये चौराहा है, ये सारा बेस कैंप वाला एरिया है, तो शायद ऑटो लेना है हमें, तो हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। तो हम लोग भगवती नगर बेस कैंप आ गए हैं, ये सिक्योरिटी चेक के बाद इधर निकलते हुए, और आपको दिखाते हैं पूरी सिक्योरिटी चेक है। और ये सिक्योरिटी जम्मू वेलकम योर संजय 2020, ये सारा कुछ है। तो हम लोग भगवती नगर बेस कैंप में आ गए हैं लगेज के साथ, आगे देखते हैं सिक्योरिटी चेक होगा फिर आगे बढ़ते हैं। ये सिक्योरिटी चेक है भगवती नगर बेस कैंप का, इसको ऐसे पूरा है, इसको क्रॉस करते हुए उनको निकलना है। और यहाँ पे हमारा बैग पैक चेक होगा जो कि हम इसमें डालेंगे, ये डाला चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद सामान इधर निकलेगा। ये पूरा सिक्योरिटी चेक है, ये यात्रा निवास वगैरह बना हुआ है, ये पूरा लोकेशन, आगे बस का टिकट वगैरह मिलेगा, सारा ये लोकेशन। और अभी आपको दिखाते हैं ये लगेज काउंटर बना है यहाँ पे, जहाँ पे अपने लगेज वगैरह जमा कर सकते हैं, ये पूरा आगे बस का होगा। और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ, ऑर्डिनरी रूम 650 और एसी रूम 1200 1000 ऐसे ही। यहाँ से हमें बस मिलेगा और काफ़ी लग्जरी है, काफ़ी अच्छी सुविधा भी है, काफ़ी स्पेस है ये पूरा। बाकी यहाँ पे बसेस के रेट भी हो गए हैं 1200, आगे भी है 1270, ये रेट लगा हुआ है। ये नंबर दिया है, इसको ये बता रहे हैं, ये ऐसे लिखा होगा, ये काउंटर है। बाकी इधर का लोकेशन ये पूरा भगवती नगर बस स्टॉप का पूरा एरिया कैंप का। और बाकी ये है, यहाँ से रूम बुक होगा, रूम के लिए टूरिज्म ऑफिस है सम्मेलन का। बाकी फिर इधर की तरफ वो होटल है, एक तरह से रूम है, एसी रूम मिलेंगे वहाँ पे। यहाँ पहले फॉर्म भरना होगा, भर के फिर आपको जाना होगा, जैसे कि हमने कर लिया, अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। रूम नंबर 59 हमें अलॉट हुआ है। भगवती नगर बेस कैंप का ये हॉल है, हॉल में ये देखिए इस टाइप का हॉल है, हमारा एसी हॉल है F6, ये F6 का हॉल है, ये अमरनाथ यात्रियों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको गद्दे मिलेंगे 235 रुपये में, गद्दे को लेके आप कहीं भी इस एसी हॉल में आ सकते हैं। इस एसी हॉल का चार्ज पर पर्सन 50 रुपीज। हॉल में आ गए और यहाँ जगह देख रहे हैं, अभी नीचे से तो गद्दा लेंगे और यहीं डालेंगे, बाकी फिर बताते हैं आपको ब्लॉग में आगे। मॉर्निंग में 2:30 बजे अपनी बस है, अब यहाँ से हम लोग 2 बजे से पहले निकल जाएंगे। बाकी लगेज के लिए एक लगेज काउंटर है, अभी यहाँ से निकल के
एक लगेज हमने अपने लिए रेडी रखा है, एक लगेज को हम क्या करेंगे वहाँ पे जमा कर देंगे, बाकी फिर यहाँ से पहलगाँव से वापस आएंगे एक हफ्ते के बाद 10 तारीख को, फिर अपना लगेज लेके यहाँ से जम्मू से वापस मिलते हैं आपसे। उनको बहुत ही नगर से वहाँ के लिए पहलगाँव होते हुए जहाँ के लिए जाना, तो वो अपने लगेज ऐसे रखते हैं। ये भैया लोग हैं, ये लोग पूरा करते हैं बहुत कम से कम कॉस्ट में। कितना कॉस्ट हो गया यहाँ से, कॉस्ट कितना है? 20 रुपये 20 रुपये। मान लीजिए जैसे 3 दिन हम 4 दिन हम रुकेंगे तो कितने दिन, 4 दिन तक 4 रुपये 80 रुपये हो जाएंगे। 80 रुपये मतलब पर डे 20 रुपीज। चलिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ओके वो बेस कैंप है, बस स्टॉप जहाँ से बसें मिलेंगी, सुबह सुबह यहीं बसें मिलेंगी इधर पूरा, और बाकी ये भगवती नगर बेस कैंप वाला ये पूरा एरिया है। मॉर्निंग में 2:30 बजे बोला टाइम अपने को, लेकिन यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप 1:30 बजे आ जाना, तो मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। ये मैं यहाँ आया था भगवती नगर, यहाँ पे भाई मिला तमिश भाई हमारा सब्सक्राइबर है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम आते हैं तो ब्लॉग में भाई को लेते हैं। दस वाले नहीं है, ये रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग बहुत ही बेस कैंप पहुँच गए हैं, और यहाँ पे फुल सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे ये, और फुल चेकिंग के बाद हम लोग जाएंगे अंदर। हम लोग बैग छोड़ के हैं, बैग छोड़ के निकलेंगे, अंदर पहुँचते हैं। यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बदल का है, यहाँ पे सूद निकालना है, सूद निकालना है, सूद निकाल के यहाँ रख दिया और निकाल के फिर अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे लंगर है, और यहाँ लंगर की एक नंबर की व्यवस्था है, दाल व्यवस्था भाई लोग खा रहे हैं। ये बजरंग दल हिंदू विश्व हिंदू परिषद का है, हिंदू सेवा 28 जून से 8 अगस्त तक है। यहाँ पे दान पात जो कि डालना चाहे डाल दे। भाई लेके बैठ गया, ये सबसे पहले खाने में रहते हैं भाई हमारे, अभी मैं जुड़ रहा हूँ इनको और ये खाना लेके बैठे हैं भाई साहब, ये खाने लेके बैठे हैं, ये पूरी व्यवस्था। हाय गाइस, जैसा कि हम भगवती नगर के बेस कैंप में बैठे हुए हैं, एक माता जी मिली हैं जो बहुत जगह की यात्रा कर चुकी हैं, आपसे इनसे बात कराते हैं। अभी अपने नाम बताइए। मेरा डाक नाम अन्नपूर्णा माता जी, अन्नपूर्णा माता जी, और अच्छा नाम सुप्रिया गांगुली। अच्छा, आप कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं अभी? हम बहुत जगह सारी घूमे हैं। अभी अमरनाथ जाने में आपको कितना देर लगा? 5 दिन लग गया, क्योंकि हमारा तबीयत खराब था। एक दिन पहलगाँव में बेस कैंप में था 2-4 घंटा, और फिर भी 2 दिन पंजीकरण से 2 दिन, उसके बाद डॉक्टर ने बोला नहीं छोड़ेंगे, हम बोला मर जाए भी तब भी हमको छोड़िए, तो डॉक्टर ने बोला ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे वो गुफा का सामने, तो उधर से हम जल्दी जल्दी निकाल गया। आज हम मतलब आपको यात्रा करने में कुल कितना दिन लगा? हम लोग 27 तारीख शुरू किया, 27 से। देखिए आप लोगों ने 27 को शुरू किया था यात्रा, आज आज आपका 3 तारीख, आज 2 तारीख, 2 तारीख है, 2 तारीख। हम लोग का जैसे कि हम लोग का यात्रा 4 तारीख से शुरू होगा। ये भगवत में बेस कैंप में एसी वाला रिजॉर्ट है ये पूरा, जैसे कि ये देख रहे हैं, यहाँ से कुछ यात्री जा चुके हैं, कुछ आके वापस जाने के लिए हैं। जैसे ये लोग वापस आके आ चुके हैं, अभी हम लोग कल यात्रा शुरू करेंगे, कल सुबह 2 बजे 2:30 बजे के बाद हमारे आसपास की बस है, देखते हैं। आज मिली है ये, आप मूल रूप से रहने वाले मथुरा की हैं, मथुरा से है ना आप लोग? मथुरा से, लेकिन हमारा बंगला में शादी हुई है। बंगला में आपकी शादी? बंगला में हुई है। सोचिए कितना मेहनत से ऑक्सीजन लेवल कम है, बता रहे हैं कि
यात्रा 5 दिन में, हम लोग मान के चले थे 3 दिन की यात्रा है, लेकिन 5 दिन में देखते हैं हम लोग का क्या होता है कल से। जयकारा के साथ ही आगे वाली बस जा रही है।